ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक संपन्न होने के बाद हर वर्ष दिल्ली एनसीआर गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एनसीआर गवर्निंग बॉडी द्वारा बैठक में कार डीलर्स कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। समारोह की अध्यक्षता ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस नयोर द्वारा करी गई। इस बार बैठक में ट्रेड सर्टिफिकेट, जीएसटी, टीओ नंबर और वाहन खरीदने और बेचने वाले व्यापारियों के हित में काम करने के लिए एक साल में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक बैठक पर चर्चा करना था। बैठक में दिल्ली एनसीआर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे थे। संस्था का इस वर्ष ऑनलाइन कार खरीदने और बेचने वाले स्पेनी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता हुआ था। स्पेनी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और कार की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाला स्प्रे डिवाइस आईडॉट के साथ भी समझौता हुआ था। आईडॉट के प्रतिनिधि ने भी समारोह में शिरकत की। संस्थान के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नयोल का स्वागत किया। बैठक में आए कार डीलर्स ने उनके साथ उनके व्यापार में आने वाली समस्या के बारे में अवगत कराया गया और इसके साथ ही स्पेनी और आईडॉट का भी संस्था के साथ हुए समझौते को देखते हुए कार डीलर्स ने अपने अनुभव साझा किए और उनके साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। मंच का संचालन संस्था के लीगल एडवाइजर सुशील लालवानी द्वारा किया गया और भी संस्था के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमर सैनी ने कार डीलर्स को संबोधित करते हुए कानूनी पहलुओं को समझाया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस नयोल और स्पेनी और आईडॉट के प्रतिनिधियों से बात करी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मीटिंग हर साल मीटिंग होती है हमारी गवर्निंग बॉडी की, जितने भी आज इस मीटिंग में हमारे आए सब पदाधिकारी हैं, सबका अपनी एक पहचान है, सभी बड़ी छोटी पोस्टों के लोग हैं। दिल्ली एनसीआर की मीटिंग है बेसिकली, ऑल इंडिया लेवल पे आए तो 300 प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं हम दिल्ली से जो चलता है पूरे इंडिया में फिर लागू होता है। अभी जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट का मुद्दा हमारा मेन, पिछले राजस्थान में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, 100 गाड़ियां सीज कर दी गई थी, फिर मैंने नितिन गडकरी साहब से कॉल करवा के उसको रिलीफ दिलवाया और हमारे वहाँ के लोकल जो थे गवर्निंग बॉडी के लोग, मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने भी जा कर के मिले तो वहाँ राहत मिली। तो उस विषय पे कुछ डिस्कस होना है, जीएसटी का मामला है, अभी स्पिनी कंपनी से जुड़े हैं उसके बारे में डिस्कस होना है और बहुत सारे मुद्दे रहेंगे कि हमारी एसोसिएशन के लोग जो एनुअल मीटिंग में कम आते हैं उसको कैसे बढ़ाना है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हर साल होते हैं। सर आज का मुख्य मुद्दा क्या है? थोड़ा मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे ट्रेड के ऊपर जो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जो लोग अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो है ट्रेड सर्टिफिकेट। हमको ट्रेड सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होगा, उसके बारे में आज गवर्निंग बॉडी को बड़े आराम से बताऊंगा मैं, ताकि वो आगे अपने लोगों को बता पाए। अभी भी लोग लाइटली ले रहे हैं इसको, अभी इतना जहाँ जहाँ केंद्र में सरकार है, जहाँ जहाँ उनकी स्टेट में सरकार है, वहाँ उन्होंने लागू भी कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जैसे गुजरात हो गया, अभी राजस्थान में चालू हो गया, महाराष्ट्र में पीछे खींचाखाची हो रही थी, तो इस तरह का मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मेरा। सर इसके फायदा क्या होगा कार डीलर्स को, थोड़ा अगर बताना चाहिए? इसमें फायदा है कि वेल रिकॉग्नाइज बन जाएंगे लोग, जो हमारे डीलर के साथ चीटिंग होती थी, जो पार्टी आकर के दिक्कत कर देती थी, गाड़ी पर लोन होता था फिर लोन निकल आता था, एनओसी में दिक्कत आती थी, इस तरह के काफी मुद्दे हैं। अगर गाड़ी पे चलान भी होगा तो भी कस्टमर गाड़ी नहीं बेच पाएगा, पहले वो क्लियर करेगा, उसके बाद वो गाड़ी हमारे जो डीम ओनर होगा, जो ट्रेड सर्टिफिकेट लेगा उसके नाम होगी, फिर उसी को वो खुद बेचेगा। जैसा इसमें जीएसटी को हम कम कराने की बात कर रहे हैं, अभी हमने हमारे अमर सैनी साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, पूरे हमारा उनका बिल्कुल टाइप है, कोई भी केस होता है उनके बिना नहीं लड़ते, तो हमने कोर्ट जाने का एक मन बना लिया कि हमारे जो ट्रेड के ऊपर जीएसटी है 18% वो कम होना चाहिए। मैं कहना एक ही स्लैब में हो 5-6% जो भी इन्होंने लगाना है, वो गाड़ी ट्रांसफर करते टाइम ले लें। ये जो भरने वाला मामला है बड़ा टेढ़ा इशू है, जब गाड़ी ट्रांसफर जब होगी जब भर देंगे टैक्स, तो वो ऐसा हम चाहते हैं कि सिंपल वे हो, क्योंकि सारे लोग वेल एजुकेटेड भी हमारे ट्रेड में नहीं है, तो ये सरकारें चाहती हैं कि वेल ऑर्गेनाइज राजा खाली, ऐसा नहीं होता। मेरे को सबको देखना है, गरीबों को भी देखना है, बड़े लोगों को भी देखना है, मीडियम को भी देखना है, मेरे लिए तो सारे मेंबर है ना,
चाहे वो 100 करोड़ का हो, चाहे वो 20 करोड़ का हो, चाहे वो 2 करोड़ का हो। तो इसलिए मैंने हर एक मेंबर के बारे में सोचना, तो उसका कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसमें देखते हैं क्या रिलीफ मिलता है। पहले भी मिला था हमको, जो 50% टैक्स लगा दिया था। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया का, आपके माध्यम से जो वीडियो बन के गई थी उसके ऊपर हमारे को बड़ा बेनिफिट मिला। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि GST का भी जो मामला है इसको कम करवाएंगे, ये हमारे लोगों की मांग है। मेरा नाम मोहित कटारिया है, मैं स्पिनी में हमारा जो ऑप्शंस का बिजनेस है, B2B बिजनेस है, उसका हेड करता हूँ। हमारा टाई अप ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के साथ अभी पिछले 2 महीने पहले ही हुआ है, एंड हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी दुर्लभ ही दिखते हैं, जिसमें इतने पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है जो इतने सालों से एक्टिव है, डीलर्स की जो भी इश्यूज हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम एक्साइटेड हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके, बिकॉज ये इकोसिस्टम एक ही है एंड हमारा भी एक ही पर्पस है कि हम यूज कार के इकोसिस्टम को एक्सपैंड करें, एंड जो कस्टमर्स न्यू कार्स खरीदना चाहते हैं उनको हम सेम ट्रस्ट और क्वालिटी यूज कार्स में भी दें। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा इंडस्ट्री ही इकट्ठे मिलके हम इसको बढ़ाएं। सर, तो आपका किस तरीके का जो है कि आहिस्ता आहिस्ता जो टाई अप है वो थोड़ा बताइए। टाई अप बस यही है कि हम AICDA के इवेंट्स में उनके साथ टाई अप करके जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं वो अपने डीलर्स के साथ हम डिस्कस करते हैं एंड उनको वो ऑफरिंग्स बताते हैं, ताकि अगर उनको इसमें कोई बेनिफिट दिखता है तो वो हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। मेरा नाम मुकेश गोयल है, मैं फाउंडर हूँ iDot का। iDot एक नई माइक्रोडॉट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको भारत सरकार ने 2019 के अंदर नोटिफाई कर दिया था इसको यूज़ करने के लिए। हम ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं पिछले 2 साल से, और इसको हम अपने जो डीलर भाई हैं उनके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जब वो गाड़ी बेचें उसके ऊपर वो iDot लगा के बेचें। iDot एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है गाड़ी की, जो गाड़ी की चोरी रोकता है। जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं उनकी आइडेंटिटीज़ को चेंज करके नकली कागज़ों पर रीबर्थ करके बेचा जाता है, जिसमें सबसे पहले डीलर ही फंसा जाता है, क्योंकि डीलर को भी पता नहीं होता कि वो नकली गाड़ी खरीद रहा है। तो iDot लगाने के बाद डीलरों के लिए ये सबसे बड़ी सुविधा होगी कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो एक जेन्युइन गाड़ी खरीद रहा है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट से सिक्योर्ड है। इसकी डुप्लीकेसी इम्पॉसिबल है, और इसको अगर गाड़ी में आग भी लग जाती है तो भी ये 1400 डिग्री तक iDot जिंदा रहता है। इसको भारत सरकार की iCAT एजेंसी ने खुद टेस्ट करा है और ये हमारे को सर्टिफाई करा है। तो क्या ये लग्जरी गाड़ियों में होता है या छोटी गाड़ियों में? सर, ये हर गाड़ी के अंदर होता है, चाहे वो छोटी से छोटी मारुति हो या 3-व्हीलर हो या 2-व्हीलर हो या ट्रक्स हो या बसेस हो, सबके अंदर ही iDot लगता है। और इसको एक पूरा कैटेगराइज करा है भारत सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी कैटेगरी में कितने माइक्रोडॉट्स लगेंगे। सर, की क्या कॉस्ट बैठती है और वैलिडिटी क्या रहती है? ये गाड़ी में एक बार लगता है और जब तक गाड़ी की लाइफ है 15 साल, ये तब तक रहती है जिसको iCAT ने सर्टिफाई करा है। 4-व्हीलर्स के लिए इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार रुपये रहेगी, और 2-व्हीलर्स के लिए इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये के बीच में रहेगी, और ये एक ही टाइम होता है। एक चीज़ और है कि इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये iCAT अप्रूव्ड है, जो कस्टमर है उसको हर साल इंश्योरेंस रिन्यूअल पे भी डिस्काउंट मिल सकता है उसकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि कार डीलरों की हित के लिए सर्वप्रथम कार्य करती है और उनके साथ आने वाली दिक्कतें और परेशानियों को सुझाने का भी दावा करती है। इस बार बैठक में ट्रेड सर्टिफिकेट, GST, TO नंबर और पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का व्यापार कैसे बढ़े और संस्था के सदस्य कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़े जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।